शांत रहें। बुद्धा की कहानी एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा है जो बुद्ध की शांति और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य विषय है कि किस प्रकार बुद्ध ने शांति और धैर्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और इसके माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान किया। कहानी का सार यह है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति रहता था जो सभी को शांति और प्रेम का संदेश फैलाता था। एक दिन गांव में अशांति फैल जाती है और लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। इस स्थिति को देखकर बुद्ध ने गांव वासियों को एक सभा में बुलाया और उन्हें शांति बनाए रखने की सलाह दी। बुद्ध ने गांव वासियों से कहा कि जब भी आप किसी से नाराज हो या गुस्सा में हो तो शांत रहना सीखें। गुस्सा और आक्रोश केवल मानसिक अशांति को जन्म देती है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएगी। बुद्ध की बातों को सुनकर गांववासी समझ गए कि शांति और धैर्य से ही वे अपने उलझनों का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने बुद्ध की सलाह पर अमल किया और धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि शांति और धैर्य हमारे सबसे बड़ी शक्तियां हैं और इनकी मदद से ही हम किसी भी कठिन परिस्थितियों का समाधान कर सकते हैं।